तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्टिकल बैट एंड स्टिक की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो जल्दी से दिखाते हैं आपको ये कैसी स्टिक है और ये सेल्फ डिफेंस स्टिक है, मतलब ये आपकी सेल्फ डिफेंस में काम आती है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इसका इस तरीके का जैपनीज या फिर चाइनीज जो भी लिखी है उस लैंग्वेज में इसका आपको बॉक्स मिल जाता है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं और गाइस इसको खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्टिक रखी हुई है, ये हमारी स्टिक रखी हुई है। तो फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक अपनी केसिंग में आती है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके साथ आपको इस टाइप की कुछ केसिंग मिलती है जो इस पैकेट के अंदर रखी हुई आती है। तो ऐसे खोल के हम अपने मेन प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट सामने आ चुका है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो गाइस तो अब इसको हम आपको खोल कर दिखाते हैं। तो इस साइड से खुलता है और पीछे की साइड प्लेन है, तो फिर ये ऐसे करके आपको कस के खोलना होता है। तो इस तरीके से ये इतना लंबा डंडा टाइप का बन जाता है, देख सकते हैं वो काफी हैवी है, पूरा स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है आपको। तो काफी ज्यादा मजबूत है ये और आपका ये आराम से ईंट भी तोड़ सकता है। और गाइस तो ये बहुत ही मजबूत आपको एक स्टिक टाइप की मिल जाती है। तो गाइस अब इस स्टिक को आपको हम खोल कर दिखाते हैं, उससे पहले हम आपको बंद करके दिखाते हैं। तो इजिली बंद नहीं होती है, इसको बंद करने के लिए आपको काफी तेज से जमीन पर मारना पड़ता है। जैसे आप जमीन पर मार के इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं, जमीन वहां के अनबंद कर दी है। अभी आपको दिखाएंगे हम कि कैसे जब बंद होती है ये। सो गाइस तो आपको ऐसे ही लेना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको कस के जमीन में मारना होगा। तो डायरेक्ट टाइल्स पर मत मारिएगा वरना आपके टाइल्स वगैरह टूट सकते हैं। तो ऐसे आप कोई पायदान वायदन बिछा के मार सकते हैं या फिर आप इसे बेड पे भी मार के बंद कर सकते हैं। तो गाइस तो हम आपको इसके खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको इसे खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसके जो पीछे का हिस्सा आपको मिलता है, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो यहाँ ये बैक साइड जो है इसको आप घुमा के खोल सकते हैं। इसकी पूरी बॉडी आपको स्टेनलेस स्टील की मिलती है और यहाँ पे आपको फोम मिलता है बस, ताकि आप अच्छे से इस पर ग्रिप बना सकें। तो पीछे का एरिया खुल चुका है तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है इसमें, जिससे इसको पकड़ लेता है स्टिक को, ताकि ये आगे ऐसे ना निकले। सो ऐसे पीछे से इस तरीके से इसकी स्टिक निकल आती है। देख सकते हैं ये है इसके बीच का हिस्सा, ये इसके पीछे का एरिया है, ये बैक है इसका। और गाइस ये जो आगे वाली बॉल है इसको आप इस तरीके से निकाल लिए, जैसे अगर आप गाड़ी वाड़ी में बैठे हैं और आपको इसमें बंद कर दिया गया तो आप इससे उसका शीशा फोड़ के निकल सकते हैं। तो इससे आप शीशा फोड़ सकते हैं इसे फेंक के बेसिकली बस। तो गाइस तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं जिसको हमने पूरा खोल के आपको दिखा दिया है अंदर से। तो आपको इसे असेंबल करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पतली वाली रॉड इसमें अंदर डालनी है और उसके बाद ऊपर ही बॉल कस देनी है आपको इसमें। इस बॉल को कसने के बाद आपको इसे बंद करना है और इसके पीछे के एरिया से अंदर डाल देना है इसको। और ये जो लॉक है इसे आपको पीछे यहाँ पे बंद कर देना है। और देख सकते हैं अभी वापस असेंबल हो चुकी है। और पीछे का लॉक क्या काम करता है, जब आप इसको ऐसे करके बंद कर देंगे फिर ये स्टिक खोलेगी नहीं इजीली, तो कहीं पे भी ऐसे नहीं खुलेगी। फिर आपको इसे खोलने के लिए कस के ऐसे खोलना पड़ेगा। सो गाइस तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।